हेलो बच्चों, कैसे हो? नाइन्थ क्लास में हिंदी क्षितिज भाग एक का पाठ नंबर 3 है अपना सवैये। कविता चल रही है सवैये। सवैया एक छंद होता है और इसके कवि हैं रस खान जी। रस खान जी का पहला सवैया देखते हैं। जो रस खान जी हैं उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था, यानी 1548 में दिल्ली में एक संपन्न पठान परिवार में उनका जन्म हुआ था। यानी वो धर्म मुस्लिम धर्म से संबंधित थे, लेकिन उनकी श्री कृष्ण की भक्ति में बहुत गहरी लौ थी। बहुत अधिक श्री कृष्ण के भक्त थे, प्रेमी थे, और उनका श्री कृष्ण प्रेम ही इसमें दिखता है। सगुण ईश्वर के उपासक कवियों में वो माने जाते हैं। रस खान जी कहते हैं, मानुष हों तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझारन। रस खान जी हिंदू धर्म के अनुसार पुनर्जन्म को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में कहीं जन्म लूं, तो अगर मैं मनुष्य बनूं, तो रस खान जी कहते हैं कि ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में मैं बसूं रहूं। यानी ईश्वर से मेरी इच्छा है कि अगर अगला जन्म मुझे मिले और उसमें मुझे मनुष्य जन्म मिले, तो मैं गोकुल में जन्म लेना चाहूंगा, गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में विचरण करना चाहूंगा। दूसरी बात, जो पशु हों तो कहा बस मेरो, और हो सकता है मैं पशु अगले जन्म में, मैं मनुष्य जन्म मुझे न मिले, अगर मैं पशु बनूं तो इसमें मेरा कोई वश नहीं है। मेरा क्या वश है, लेकिन मैं चाहता हूं कि चरों नित नंद की धेनु मझारन। अगर मैं पशु बनूं तो इतनी ईश्वर से प्रार्थना है कि नंद की गायों के बीच में मैं नित्य चरूं, विचरण करूं। ठीक है, अगर मैं पशु बनूं तो यानी हर तरह से मैं श्री कृष्ण से संबंधित जो स्थान हैं, जो प्रतीक हैं, मैं उनके समीप रहना चाहता हूँ, श्री कृष्ण की स्मृतियों से जुड़े रहना चाहता हूँ। पाहन हों तो वही गिरी को, जो क्यों हरि छत्र पुरंदर धारण। कहता है, और अगर मैं अगले जन्म में पत्थर बन जाऊँ, तो मैं उस पर्वत का पत्थर बनूँ जिस पर्वत को, अर्थात गोवर्धन पर्वत को हरि ने छत्र के रूप में पुरंदर के लिए धारण किया, पुरंदर के विरुद्ध धारण किया था। पुरंदर माने इंद्र होता है, यानी श्री कृष्ण ने गोकुल को इंद्र द्वारा मूसलाधार वर्षा और बाढ़ की स्थिति पैदा करने पर गोकुल को बचाने के लिए जिस गिरी को, जिस पर्वत को धारण किया था, मैं उसमें उसका पत्थर बनूं। अगर पाहन माने पत्थर, अगर पत्थर बनूं तो उसी गिरी का जिसको श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में पुरंदर के विरुद्ध और गोकुलवासियों की रक्षा के लिए धारण किया था। जो खग हूं तो बसेरो करूं, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। कहता है, और यदि मैं पक्षी बन जाऊं अगले जन्म में, तो कालिंदी यानी कि यमुना, यमुना जी का एक नाम है कालिंदी, कालिंदी के कुल किनारे पर उगे हुए कदम के पेड़ों की डाल पर, कदम के पेड़ों की डाल पर मिलकर के बसेरा करूं, दूसरे पक्षियों के साथ मिलकर के बसेरा करूं, अगर मैं अगले जन्म में खग हो जाऊं तो, यानी पक्षी बन जाऊं तो। भाव ये है कि चाहे मैं मनुष्य जन्म धारण करूं पुनर्जन्म के रूप में, चाहे मैं पशु, पत्थर या पक्षी बनूं, लेकिन मैं श्री कृष्ण से जुड़ा रहूं, श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण की स्मृतियाँ, उनके एहसास से दूर न हों, कभी भी श्री कृष्ण की स्मृतियों से दूर न हूँ। मैं हर जन्म में श्री कृष्ण की ही भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ, श्री कृष्ण से संबंधित क्षेत्रों और वस्तुओं से जुड़े रहना चाहता हूँ। इसमें इस कवि की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति दिखाई देती है। तो जहाँ तक इसके काव्य सौंदर्य और काव्य सौंदर्य का सवाल है, भाव मैंने बता दिया है, उसको आप भाव पक्ष में लिख सकते हो, और शिल्प पक्ष में आप ब्रजभाषा है, सुंदर साहित्यिक खड़ी साहित्यिक ब्रजभाषा है, और इसके अतिरिक्त आप देख सकते हो अनुप्रास अलंकार बहुत जगह आता है।
गय गय की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। और कालिंदी कुल कदम की डारण कह कह की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त जो है स्वर मैत्री अलंकार है यहाँ पर। और भैया भक्ति रस है, भक्ति रस आप लिखोगे। भक्ति रस के अतिरिक्त चाक्षुक बिंब है और सवैया छंद है। तो ये पैरा आपने सप्रसंग व्याख्या करना है काव्य सौंदर्य समेत। सवैया नंबर दो देखिए, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुरको तजिडारऊँ आठ हूँ सिद्धि नव निधि के सुख नंद की गाय चराय बिसारऊँ। रसखान कहते हैं, श्री कृष्ण ने जिस लाठी को गाय चराते समय धारण किया, जिस कंबली को ओढ़ा, उस लाठी और कंबली के ऊपर तीनों लोकों का राज्य भी मैं तज डालूँ, त्याग सकता हूँ। इतना प्रेम मुझे, इतनी श्रद्धा मुझे श्री कृष्ण की लाठी और काली कंबली से है। आठों सिद्धियां और नौ निधियों के सुख को भी नंद की गाय चराने में मैं भुला सकता हूँ। यानी क्योंकि श्री कृष्ण नंद की गाय चराते थे, इसलिए नंद बाबा की गाय चराने के बदले में मुझे आठों सिद्धियां और नौ निधियों को भी त्यागना पड़े तो मैं खुशी खुशी त्याग दूंगा। इसमें भी श्री कृष्ण के प्रति अगाध भक्ति रसखान जी की दिखाई देती है। आगे रसखान कहते हैं, रसखान कबो इन आँखिन सो। रसखान कहते हैं कि कभी इन आँखों से ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारूं, क्या मैं भी कभी इन आँखों से ब्रज प्रदेश के वन बाग और तालाब निहार पाऊंगा, देख पाऊंगा। ब्रज प्रदेश में जाने से पहले रसखान की बहुत उत्कंठा थी, रसखान को ब्रज प्रदेश में जाने की इच्छा थी उनके अंदर। तो वो कहते हैं कि क्या मैं कभी इस जन्म में ब्रज प्रदेश के बगीचों को तालाबों को देख पाऊंगा, निहार पाऊंगा। कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारूं, ये करोड़ों सुंदर धाम या महल जो है वो मैं कैर के पेड़ों के झुरमुटों के ऊपर न्योछावर करता हूँ। कहने का अभिप्राय ये है कि श्री कृष्ण की स्मृतियाँ मुझे इस संसार में सबसे प्रिय हैं। श्री कृष्ण की लाठी और कंबली के लिए तीनों लोकों का राज भी मेरे लिए फीका है, तीनों लोकों का राज्य मेरे लिए गौण है। और आठों सिद्धि और नौ निधियाँ श्री कृष्ण की गायों को चराने के सुख के आगे कुछ भी नहीं है। ब्रज प्रदेश के वन बाग तड़ाग इनको देखने के लिए मैं लालायित हूँ, न जाने कब इनके दर्शन कर पाऊँगा। और ये महल सरीखे जो धाम हैं, जो घर हैं, इनको जो है कैर की झाड़ियों के बदले में नौछावर करने को तैयार हूँ, ऐसा रसखान कहते। तो लगभग वही विशेष इसके अंदर भी हैं जो हमने पहले किए थे। काव्य सौंदर्य में शिल्प पक्ष में जो आप पॉइंट लिखोगे वो सारे के सारे लगभग वही हैं, क्योंकि अलंकार उसमें अनुप्रास अलंकार आ था, तो इसमें भी है नव निधि नय की आवृत्ति के कारण यहाँ पर जो है बनता है, धय की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार बनता है, वैभव की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार बनता है। और बाकी सारे शिल्प भी वैसे ही हैं, चाहे वो रस हो, चाहे वो क्योंकि भक्ति रस है इसके अंदर, ब्रज भाषा है, सवैया छंद है, सारे वैसे के वैसे आपने शिल्प लिखने हैं। दो पैरे और रहते हैं, वो अगले वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।